नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। कानपुर में 3 जून को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात के करीबी के खिलाफ शनिवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर स्वरूप नगर में मोहम्मद इश्तियाक की अवैध इमारत पर बुलडोजर चला दिया। नगर निगम के मुताबिक नक्शे से ज्यादा निर्माण होने के कारण बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी को पुलिस ने लखनऊ के हजरतगंज से गिरफ्तार किया था। आरोपी जावेद अहमद का एक यूट्यूब चैनल है जो लखनऊ के हजरतगंज में है। सभी आरोपी इसी चैनल के ऑफिस में छुपे हुए थे, जिसके बाद यहां से मुख्य साजिशकर्ता हयात जफर हाशमी के अलावा जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल और मोहम्मद सूफियान को गिरफ्तार किया गया था। कानपुर में मुस्लिम संगठनों ने 3 जून को बंद बुलाया था। मुस्लिम संगठन नूपुर शर्मा के कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर दिए गए बयान का विरोध कर रहे थे। इसी दौरान हिंसा फैल गई थी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 50 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पोस्टर में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ नाबालिग भी हैं। कानपुर हिंसा की जांच कर रही SIT की टीम को भले ही जफर हयात हाशमी के सीधे PFI से कनेक्शन के तार ना मिले हो, लेकिन उसके करीबियों का PFI से रिश्ता जरूर सामने आ चुका है। इसी कड़ी में कानपुर की बेकनगंज पुलिस ने मोहम्मद उमर, सैफुल्ला और मोहम्मद नसीम को गिरफ्तार किया है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।